We are glad to inform you that you are selected in IBPS PO, IBPS Clerk and IBPS SO. So guys, बहुत ही अच्छा लगा, बहुत सारे स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ, बहुत का नहीं भी हुआ जो कि डिजर्विंग कैंडिडेट थे. ठीक है, तो दोनों के लिए बात करेंगे. सबसे पहले मैं कॉन्ग्रेचुलेशन करना चाहूँगी क्योंकि बहुत सारे लोग सेलेक्ट हुए, मुझे बहुत खुशी हो रही है इस बार. कॉन्ग्रेचुलेशन मुकुल, जो नाम याद है मुझे बहुत टाइम से उनका ले लेती. कॉन्ग्रेचुलेशन अभिषेक, कॉन्ग्रेचुलेशन कादम्बरी, निकिता, ऋषभ श्रीवास्तव, शुभम गौर, शुभम मिश्रा, योगेश एंड मैनी मोर. ठीक है, मुझे नाम अभी याद नहीं आ रहे. हाँ, आकाश दत्ता और बहुत सारे सिलेक्शन, मतलब नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहे, पर खुशी बहुत है. क्लर्क में भी बहुत स्टूडेंट्स का हुआ. और एक मैसेज मुझे जो याद आ रहा है, क्योंकि आज मैं DMs देख रही थी, स्टूडेंट ने जब अपने स्कोर शेयर करे कि मैम आज मेरे घर में दिवाली जैसी फीलिंग आ रही. तो ये बहुत इमोशनल सा था, डीप भी था कि यार देखो, जब आप एग्ज़ाम देते हो, आप सेलेक्ट होते हो, तो सारी उम्मीदें आपकी फैमिली की भी जुड़ जाती है, कितना खुशी का माहौल होता है. तो आप इस दिन के लिए, आपको अगर आप मेहनत कर रहे हो तो ये दिन भी आपकी ज़िंदगी में आएगा. और जिनका नहीं हुआ कुछ मार्क्स से या फिर इंटरव्यू में रहेगा, तो गाइस मैं आपको एक बात यही बोलूँगी यहाँ पर कि समय हर वक्त एक जैसा नहीं रहता है. ठीक है, अगर आप में बाउंस बैक करने की ताकत है, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट में मुझे इस बार अब बदल रहे हैं लोग, अब एटीट्यूड उनका क्या है कि मैम अब नहीं हुआ इसमें, बताओ आगे क्या करना है. ठीक है, अब मैं आगे कैसे करूं, क्या कमी रह गई, मुझे इसको सुधारना है क्योंकि नेक्स्ट एग्जाम को मुझे फोड़ना है अच्छे से. तो ये एटीट्यूड जिसके अंदर है उसको कोई नहीं रोक सकता गाइज. आप डिजर्विंग हो, बहुत अच्छा करोगे. ठीक है, तो बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है. मैंने आपको बोला था आप सेलेक्ट होते हो तब भी हम आपके साथ हैं, आप नहीं होते तो भी हम आपके साथ हैं. ठीक है, लेकिन जो सेलेक्ट हुए उनके लिए मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ. जिनका नहीं हुआ, जैसे प्रशांत, ठीक है, दो प्रशांत थे जिनको मैं जानती हूँ, ऋषभ जो YouTube पे भी रेगुलर क्लासेस लेते थे, तो कहीं ना कहीं कुछ मार्क्स से रह गए हो आप लोग. तो कोई बात नहीं, आपने मेहनत नहीं करी, ऐसा कुछ नहीं. गाइज यू डिड वेरी वेल एंड प्राउड ऑफ यू. जिनका भी नहीं हुआ, ठीक है, कोई बात नहीं. ठीक है, इस बार होगा. कुछ मार्क्स से देखो वैकेंसीज कम होती हैं, तो वही है कि कुछ रह जाएंगे, कुछ का होगा. तो आपका इस वक्त टाइम नहीं था, तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम होगा. ठीक, बट इस चीज़ को अपने सर पर हावी नहीं होने देना है. बाउंस बैक आपको करना है. थोड़ा मन ख़राब होता है, मैं समझ सकती हूँ, क्योंकि तीन दौर कंप्लीट करने के बाद होप जग जाती है, एक फैमिली को भी होप होती है. तो कोई बात नहीं, देखो ये प्रोसेस है. ठीक है, हमें लाइफ है, पूरा चैलेंज है. ठीक है, अगर आप सोचो सिलेक्शन के बाद चैलेंजेस नहीं, तो उसके बाद भी बहुत सारे चैलेंजेस है. बट हाँ, ये है कि आपको अभी यहाँ पर थोड़ा सा फिर से बाउंस बैक करना पड़ेगा गाइस. ठीक है, तो उसके लिए हम लोग आपके साथ हैं. कोई दिक्कत, कोई परेशानी, मेरे से बात कर लो. टेलीग्राम ग्रुप है @bankingsmartly. बाकी शाम को मैं लाइव आऊँगी 10 बजे, आज क्लास नहीं लेने वाली, तो उसमें हम लोग लाइव Q&A डिस्कशन करेंगे. और जो भी स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं वो मुझे टेलीग्राम पर मैक्सिमम इनमा ID पर मैसेज कर सकते हैं अपनी फ़ोटो के साथ, या फिर आप टेलीग्राम ग्रुप पर मुझे मैसेज कर सकते हो. क्योंकि मुझे बहुत सारे मैसेजेस मिले, पर मुझे फ़ोटोज़ चाहिए जिन्हें स्टूडेंट का सिलेक्शन यहाँ पर हुआ है. और बाकी हम लोग कुछ प्लान कर रहे हैं आपके लिए दिल्ली में, जिनका भी सिलेक्शन हुआ तो मैं जल्दी आपको इन्फॉर्म करूँगी. ठीक है, तो चलो बाय, टेक केयर एंड बाय.